साथियों नमस्कार, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं पहुंचा हूं कोरत। जी हां दोस्तों, कोरत जो कि मकर संक्रांति के अवसर पर यहां काफ़ी भीड़ देखा जाता है। लोग यहां स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, मकर स्नान। ठीक है, तो चूंकि ये पहले जो कोरत गांव है ये जिला रायगढ़ के अंतर्गत आता था, अभी है सारंगढ़ के अंतर्गत। और यहाँ पर जो दृश्य है वो चीज़ आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ इसके पीछे जो इतिहास है, जो कहानी है, लोग यहाँ स्नान करने के लिए क्यों पहुँचते हैं, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथियों देख सकते हैं मेरे बैक साइड में महानदी है और यहाँ पे जो मेला वाला जो दृश्य है वो आप देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ की जानकारी हम आपको बताते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। मेरा नाम आनंद शाह, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम लुकापारा से आए हैं और हम अभी पोरत धाम मकर मेला ये प्रसिद्ध संक्रांति महोत्सव के रूप में आयोजन हो रहा है और आज 7 दिन से ये कार्यक्रम चलते आ रहा है। ये हजारों वर्षों से ये पोरत मकर मेला एक प्रसिद्ध मेला है और हमारे अंचल का ये सांस्कृतिक मेला है। यहाँ स्वयंभू शिव मंदिर कपिलेश्वर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ हमारे जनश्रुतियाँ हैं कि एक गाय नदी के उस पार से यहाँ आता था और अपने क्षीर अपना दूध शिवलिंग में देकर फिर वापस चला जाता था। एक दिन एक चरोहा देखा उनको और ऐसे अपने देख के वहाँ फिर खुदाई करने के बाद जो शिवलिंग हमको मिला उसका नाम कपिलेश्वर शिवलिंग स्वयंभू मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। और इसके बाद हम यहाँ कृष्ण गुरु महिमा के भक्त हजारों की संख्या में यहाँ पधारते हैं और उसका रात दिन भजन कीर्तन का आयोजन होता है। और हमारे अभी पुलह ऋषि का आश्रम यहाँ स्थित है जो कि वहाँ ऋषि मुनि का यह तपोभूमि पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। और उस ऋषि जो पुलस ऋषि था उनका आज भी उनका खड़ेऊ और उसका चिमठा, उनका कोमंडल और भागवत पुराण यहाँ विद्यमान है। यहाँ दर्शन करके यहाँ हमारे चित्तोत्पला गंडुकिन हमारे महानदी है जो छत्तीसगढ़ की गंगा कहलाती है। यहाँ हम स्नान करके पुण्य के भागीदारी बनते हैं और भागवत समिति द्वारा यहाँ मन अन्न प्रसाद का वितरण किया जाता है। हजारों की संख्या में यहाँ भक्त उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड से आते हैं और यहाँ पुण्य लाभ अर्जन करके पुण्य के भागीदारी में सहयोग निभाते हैं। ये हमारा रायगढ़ जिला में था, अभी सारंगढ़ बिलेगढ़ जिले में हमारा क्षेत्र आ गया है और हम शासन से भी मांग करते हैं कि इसको पर्यटन स्थल घोषित कर इनका उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने की हम आग्रह करते हैं। यह मेला बहुत ही माने आगे बढ़ते जा रहा है, यहाँ भीड़ संख्या अधिक से अधिक बढ़ती जा रही है क्योंकि अभी हमारे पिछले साल से हमारे नदीगांव सूरजगढ़ जो नवनिर्माण पुल बना उसमें आगमन की सुविधा को देखते हुए हमारे रायगढ़ क्षेत्र से बिलासपुर क्षेत्र से लोग का आगमन होते हुए आ रहे हैं और हमारे इस पुण्य स्थली तीर्थ स्थली को दर्शन करके माँ गंगा नदी चित्तोत्पला में स्नान करके पुण्य लाभ अर्जन करते आ रहे हैं। बहुत ही यहाँ रात को कार्यक्रम होता है, नाटक, भजन, कीर्तन, कृष्णगुरु और साथ ही साथ हमारे बच्चों द्वारा झूला, सर्कस और नौका विहार, नदी में नाव का भी भ्रमण किया जाता है। बहुत आनंद लेते हैं, बहुत मज़ा आता है। यह बहुत ही मनोरम दृश्य है, देखने लायक है, बहुत ही पुण्य स्थली है। यहाँ आकर अपने श्रद्धालु अपनी मनोकामना भी पूरी करते हैं।